किसने दिया? अरे नंबर जो अपने चमियानी में खुली है ना दुकान, वो फास्ट फूड वाली। फास्ट फूड वाली? हाँ, तो वही हम फोन किए थे। हाँ। तो आप कहाँ से बोल रहे हैं? नहीं, हमने नहीं दिया नंबर, रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर है? हाँ, पर हम तो राइट नंबर लगाए। कॉट कर तो हमने किया ना। कॉट कर दें? ठीक है, हम कॉट कर देते हैं। क्या कर दिया हो शर्मा? कट्टी गया ना है। आए? कट्टी गया ना है। कट्टी गया हो। राम राम दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे आपका कमेंट आ रहा है कि मोहित भाई आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, तो मैं बता दूं, मैं अभी भी वही गाड़ी चला रहा हूं, ओला उबर में, इसे मैं पहले बता रखा हूं। लेकिन ये वीडियो अलग है, कुछ नया टॉपिक है, एकदम ही नया है। जैसे ऑनलाइन की दुनिया में आपको पता है कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारी बुरी भी चीज़ें हैं। तो इस समय हम आ चुके हैं जंगल के बीच में। ये देख सकते हैं, ये पूरा जंगल है। वहाँ एक आदमी तुमको दिख रहा होगा जो कि लैट्रिन करने आया। भाई वो देखो जा रहा ना, तो चलते हैं पूरा अंदर जंगल के और देखते हैं कि जो हम लोग करने वाले हैं वो सक्सेसफुल होता है कि नहीं, होएगा कि नहीं। हाँ, चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यहाँ से राइट लो भाई, पूरा जंगल के अंदर चलते हैं। जो एक व्यक्ति थोड़ा आया था अपने प्राइवेट काम करने, उसको भी दिखाते हैं आपको। चलो चलो, प्राइवेट काम है ना भाई। बताओ क्या कर दिया हो शर्मा? कट्टी गया ना है। आए? कट्टी गया ना है। कट्टी गया हो कि दारू पिया और है? हाँ नहीं तो भाई, बे नहीं भाई, दारू लुकायो ना यहाँ? नहीं भाई, भरे हो ये थैली में? नहीं भरे हो? नहीं मिलेगा। तो चंदन भाई, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दिखा का? दिखाई मोबाइल। मोबाइल तो आईफोन है आपके सामने, नजर आ रहा है। वैसे दिखाओ, वैसे देखो। आप सचिन का स्वागत है। तो हमारे साथ में रहोगे? आओ थोड़ा साथ में आओ। तो हम लोग यहाँ से कॉल करते हैं कि जो हमारे यहाँ फास्ट फूड की एक दुकान खुली है, हम लोग कॉल करते हैं, देखते हैं कि वो डिलीवरी लेके यहाँ आता है कि नहीं जंगल के बीचों बीच में। लगा जाए सचिन फोन, और लगाओ फोन, नंबर निकालो और फटाफट फोन मिलाओ। जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें। कब्रिस्तान के बाहर प्रतीक्षा करें, वेटिंग में जा रहा। दोबारा कॉल करते हैं। फास्ट फूड से दुकान से बोल रहे हैं क्या आप? नहीं। तो नंबर आपका दे रखा था उसमें, आप कहाँ से बोल रहे हैं? किसने दिया? अरे नंबर जो अपने चमियानी में खुली है ना दुकान, वो फास्ट फूड वाली। फास्ट फूड वाली? हाँ, तो वही हम फोन किए थे। हाँ। तो आप कहाँ से बोल रहे हैं? नहीं, हमने नहीं दिया नंबर, रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर है? हाँ, पर हम तो राइट नंबर लगाए। कॉट कर तो हमने किया ना। कॉट कर दें? ठीक है, हम कॉट कर देते हैं। दूसरा नंबर लगाते हैं। भैया कई का फोन लगा दिनो, हम अपने गर्लफ्रेंड को तो नहीं लगा दी ना। ले। हेलो। हेलो, नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, दो वेज बर्गर। कहाँ पे आएंगे भैया? बस यहीं आना भैया, ये लोकेशन, करंट लोकेशन भेज रहे हैं आपके दुकान से, करीब होगा 1.5 किलोमीटर। किस गांव में भैया? गांव पड़ता है अपना चमियानी, बस्ती खेड़ा, उन्नाव जिला। बस्ती खेड़ा है? भैया पनीर बर्गर मंगा लीजिए, भिजवा देते हैं। यार पनीर वाला जरूरी, मतलब हमका महंगा ना लगे पनीर वाला। भैया ऑर्डर 1 किलोमीटर है, 60 रुपए का। भैया आप बोल रहे 15 किलोमीटर तक फ्री है? भैया 15 किलोमीटर तक फ्री है, बट ऑर्डर वैल्यू हमारे अनुसार हो तो हम फिर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर मंगाएंगे, 20 किलोमीटर हम 20 किलोमीटर तक फ्री पहुंचाएंगे। तो भैया 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर ना हो प्रॉपर। चलिए आप लोकेशन भेजिए। हम लोकेशन भेज रहे हैं, फटाफट पहुंचाओ दो वेज बर्गर। ठीक है भाई? ठीक है, ओके। तो हम लोग करंट लोकेशन भेज दिए, अभी टाइम हुआ है 3:17। तो अपना ऑर्डर देखते हैं कितनी देर में आता है, कितनी फास्ट इनकी सर्विस है। हालांकि हम लोगों ने ऑर्डर जो किया है मात्र 60 रुपए का किया है, जिसमें अपने भाई की आती है 1.5 बोतल दारू, है ना? डेढ़ बोतल आओ ना 60 रुपए हम। हाँ, क्या बोतल? 90-250। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ भैया। जी भैया, आपका लोकेशन 1400 मीटर दिखा रहा है।
तो 1400 मीटर दिखा रहा है। तो हाँ भैया, तो बोल रहे थे एक और बजबक जी वेद वाला ही भिजवाते हैं। क्या कर रहे हो, क्या कर दो का? एक वेद दर्जन और बहाले जी, टोटल तीन करा रहे जी, भिजवाते रहे भैया। जब हम दो ही लोग हैं यार, यहाँ तीन कैसे मंगाएं भैया? हमारा नुकसान हो जाएगा वहाँ आने में, नुकसान हो जाएगी। हाँ भैया, इसलिए बोल रहे हैं। तो यार आप लोग फ्री जो बता रखे हैं फ्री है उसका बता दीजिए, इतना चार्ज लगेगा वो भी बता के रखिए प्रॉपर। भैया डिलीवरी फ्री है, ऑर्डर वैल्यू हमारे भाई साहब नहीं, वो तो गलत हो गया ना भाई, कि आप लोग बता रहे हैं हमारे हिसाब से मंगाई, कस्टमर अपने हिसाब से मंगाएगा कि आपके हिसाब से, आप बताइए। देखिए आपके बात सही है। नहीं एक मिनट भैया, एक मिनट हमारी बात पूरी हो जाए फिर बताएं। आप जैसे बताएं कि 15 किलोमीटर तक फ्री है, ठीक है? हाँ भैया। तो सीधा सीधा आप ये बताइए ना कि 15 किलोमीटर तक हम तब भेजेंगे जब हमारा डिलीवरी चार्ज उसमें ऐड हो जाएगा, या फिर अपनी जो वैल्यू है अपने हिसाब से हम लगाएंगे तब, या अपने हिसाब से सामान भेजेंगे तब? देखिए भैया, हम जब कोई भी कॉल करता है जी, तो उसको बता देते हैं यही बात। अच्छा, डिलीवरी के लिए कोई भी कॉल करे उसको बता देते हैं ऑर्डर वैल्यू हमारी इतनी सर होनी चाहिए, हम आपका भिजवा देंगे। अच्छा, कितने किलोमीटर में कितनी वैल्यू होनी चाहिए आपकी? देखिए हम वैसे तो लेके चलते हैं पर किलोमीटर 100 रुपए के अनुसार, बाकी एक जैसी बात हो जाए कॉल पे। अच्छा, तो मतलब तीन बर्गर करवा दें तब आप लाओगे ना, ये बता रहे हो? तो तीन कर दीजिए भैया, तीन बर्गर कर दीजिए। धन्यवाद भैया, भिजवा दे रहे हैं। ओके भैया, भिजवाइए। हाँ भैया, भैया पानी बोतल छोटी वाली 10 वाली मंगा देना, ठीक है? तीन बर्गर रहेंगे, पानी बोतल रहेगा। हाँ छोटी वाली 10 वाली करवाना, तो पूरे 100 ले लेना भाई। ठीक है भैया, ठीक है भैया, बता दे हम भैंसी चरा हुए हैं, पैसा है नहीं, समय है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, बात ठीक है। ठीक भाई, भिजवाओ। तो भाई साहब अपना आर्डर आ रहा है, भाग के नहीं जाना, बर्गर खा के जाना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। और बताना कैसा है स्वाद, वैसे दुकान में कोई प्रमोशन नहीं, हम बताएंगे भी नहीं कौन सी दुकान है, क्या है क्या नहीं, क्योंकि कोई उससे मतलब नहीं। हम चेक कर रहे थे कि जैसे हम लोग क्या है गांव से आते हैं भैंस चराने के लिए, जब पहले कभी आते थे, अभी भी घूमने चले आते हैं, अपने नदी का किनारा है, जैसे कभी बाढ़ आती ना तो हम लोग यहाँ मछली वगैरह मारने भी आ जाते थे, तो अब जब आएंगे तो हम लोग अगर भूख लगेगी तो पानी और खाना कुछ भी मंगा सकते हैं, तो यहाँ आते हैं कि नहीं प्रॉपर? अभी यहाँ आज मंगाएं, कल हो सकता है यहाँ से 1 किलोमीटर और आगे नदिया के किनारे मंगवाएंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में, देखने को सब मिलता है, क्या आता है क्या नहीं, कैसा है उनका जो भी है। खाना की तो व्यवस्था हम कर दे रहे हैं, ठीक। और दारू, दारू मंगवाई? दारू हम ले ले, अब ले लो पक्का? तो दारू लेके आओ तुम, चखना आ रहा, बस यहीं पे हम लोग बैठ के बढ़िया से एंजॉय। दारू पर क्या हो, गलत शब्द का प्रयोग ना करें। वो अभी आए ही नहीं। कौन नहीं आया? वो है करकैया। हाय करकैया, दारू पिया तुका? हाँ। का नाम है क्या करकैया? बबुल्ली। अब वीडियो देखी जब तुम क्या जौ लाते है हमारी, तो वो तो कहो मुझे भरा गिर गया। वही ऊपर है, ऊपर ऊपर गिरी जाइए हो, फिर दिलाते हमारी अलग थे। जाओ दारू लेके आओ, चखना आ रहा आपका। यहाँ लेके आओ नहीं, वो बाइक से आई भाई प्रॉपर, मोटरसाइकिल दे अपने दारू की व्यवस्था करो, ठीक है? लौंडी है। मतलब लौंडी के हाथे खाई हो? लौंडी के हाथे में खाई पे, फिर अगर हो तो दे तो खाई हो लिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ रास्ता है, आओ आगे से आओ। वो गाड़ी आ गई भाई, कहाँ गए भाई? बस बस सीधे उधर लियो, उधर लियो, उधर लियो। आगे से आ जाओ, आगे से, आगे से आ जाओ भैया, आ जाओ। भाई मजा काहे ले रहे हो, हंस काहे रहे हो? तो भाई साहब अपना आजा आ चुका है, देख सकते हैं सामने ही है, पर सर्विस इनकी थोड़ी सी सिलो है। ये आ गए भाई साहब अपने, भाई यार सर्विस थोड़ी सिलो है आपके, इतनी देर काहे लग गए? बर्गर मंगाओ, अगर पिज्जा मंगा ले दूसरे दिन नहीं हो, गजब बेइज्जती है। बताओ जितने पिज्जा में टाइम लगते ना उतने बर्गर में लगा। हाँ पहले अच्छा हमारे आजा लेके हो, और कौन आजा रहा है? ये रहा पानी भाई, ये तीन बर्गर है मैं।
पेमेंट कर दो सचिन यार, वो पता मैं कायमपुर निकल गया था। कायमपुर लड़का आया नहीं उस दिन, देने आया था यार हमें को। उस दिन तो यहाँ थोड़ी आए थे, उस दिन हम घर पे मंगाए थे, आज हम लोग यहाँ थोड़ा काम चल रहा है खेतों में। हाँ फोन पे, पेटीएम पे, गूगल पे, फलाना पे, धमाका पे, सारे पे। कहाँ नहीं ले रहा, रहा। भैया देखो बर्गर आ चुके हैं, अब खा लो। पेमेंट दुकानों में जाई, नहीं हम कर दी ना हो तो। भैया 100 रुपए प्राप्त हुए, भैया आप जा सकते हैं। तो हमारा चंदन जो था वो कहीं गया अभी दारू लेने अपनी, उसकी इंतजार करते हैं थोड़ा सा और फिर हम लोग क्या करेंगे, अपना इस्तेमाल करेंगे जो मंगाए हैं और बताते हैं कि भैया के यहाँ के बर्गर कैसे हैं। चंदन मरी गया जिंदा हो। तो भाई साहब अपना डिलीवरी दे चुके हैं, मतलब डिलीवरी नहीं दिए, मतलब आर्डर दे चुके हैं, अब वाली डिलीवरी समझ जाएंगे, कुछ कमेंट करेंगे भाई। हमारे जो ग्रुप में है ना ज्यादातर ड्राइवर है, वो मजा बहुत लेते हैं। तो भाई साहब अपने बर्गर आ चुके हैं, चंदन भाई फटाफट आओ, जल्दी आओ, ठीक है? तुम ज्यादा वीआईपी नेता ना बनो, सबसे ज्यादा वीआईपी तुम बनने हो। और ये पता क्या बोला था, कह रहा भाई जल्दी मंगाओ ना, मेरे पास इतना समय नहीं कि हम फर्जी रुके यहाँ, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? चंदन भाई निकालो और खाओ और टेस्ट बताओ कैसा इनके यहाँ का। चंदन ये तो लो अपना चखना, रुको तो खोल ली, वो सब खा जाइए टिश्यू पेपर ऊपर सब लो, खा के बताओ कैसे खाओ और बताओ स्वाद कैसा है। और चखना कहाँ, चखना दिखाओ ना अपन, अरे वो तो दिखाओ अपन ड्रिंक है। दिखाओ, खाओ तो साथ है, हम लोग तो भी इंजॉय करवाओ। चंदन इधर आओ थोड़ा। सचिन दादा कैसा है? ठीक है फिलहाल। तो भाई साहब इनका जो बर्गर है ये है मात्र 30 रुपये का, मात्र क्या अगर गांव के हिसाब से देखा जाए, शहर के हिसाब से भी देखा जाए तो इसमें टिक्की है बहुत सी हल्की, और आप देख सकते हैं थोड़ा शिमला मिर्च और प्याज नाम मात्र का, टमाटर तो ऐसा है जैसे कि एकदम क्या ही बताएं, बहुत कम। और स्वाद कैसा है बताएंगे हमें सचिन दादा, ठीक है? स्वाद बताइए कैसी है, बताओ बताओ। ठीक है ठीक है। तुम तो लौड़े दारू तो पियो भाई, दारू को पी लेंगे, दारू पियाओ यार, हम बने थोड़ी। तुम इसका कहाँ पीते हो? नहीं पीते, पता है तुमका? तब पूछबे पे उन्हें पूछतो ना, हमका इतना पता है। तो भाई साहब हम लोग बर्गर एंजॉय करते हैं। सही है फिलहाल, ज्यादा वैसे 30 रुपए के हिसाब से कैसा है? महा बेकार। अगर जो देखा जाए 30 रुपए के हिसाब से 5 रुपए नहीं, 5-10-15 तक ठीक है। पर ये चीज है कि अगर मान लो भूख लगी है खेतों में है कहीं पे, हाँ तो मंगा रखते हैं। चंदन इतना चिचिया काहे खा रहे हो? क्या ही स्वादिष्ट नहीं है भाई। दही डाल दही बहुत मजा नहीं, खाओ खाओ पूरा खाओ एंजॉय। भैया खाते हैं तो फिर निकलते हैं वहां से, तो कुल मिला के डिलीवरी इनकी थोड़ी सी लो, आधा घंटा में आया जाना, आधा घंटा में आ गया, तो खा के निकलते हैं हम लोग। अगर खा चुके एक लास्ट रिव्यू दो कि 30 रुपए के हिसाब से ठीक है? बेकार है, महा बेकार। आप ये बताओ चंदन, आपकी एक बोतल दारू आती कितने में आती है? 40 में? 40 और ये बर्गर है 30 का, तो 30 के हिसाब से ठीक है? हम कम नहीं जान पड़ रहा, नहीं जान पड़ रहा, मतलब आप चंदन भी बोल रहा जबकि इसके पैसे नहीं लगे। जो बंदा दारू पीने वाला ही बोल रहा है कि 30 रुपए के हिसाब से बेकार है, तो यार हम ये बोलेंगे मजबूरी के लिए ठीक है, आप खेतों में काम करने हैं, कहीं गए हैं, आसपास हैं कहीं, वैसे तो आप घर भी जा सकते हैं, कोई बहुत दूर है नहीं, 1.5 किलोमीटर से 1.4 किलोमीटर था, तो उस हिसाब से मंगा सकते हैं, बाकी 30 रुपए की वैल्यू उसकी है नहीं भाई। चले फिर आप दारू अपनी इंजॉय कीजिए, ये रही चंदन की दारू और ये रहा चखना,
आप खाओ पियो चौड़े से, हम लोग चले। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी। तो चलिए दोस्तों, या ऐसा कुछ रहा एक्सपीरियंस, आप मंगा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन स्वाद में कोई दम नहीं है। एकदम 10 से 15 रुपए वाली क्वालिटी है, बाकी 30 वाली तो है नहीं। तो हम लोग निकलते हैं घर के लिए। तुम कहाँ जा रहे हो? अब वहीं दिखाई दे, घर में दारू पिए गयो। तो भाई साहब, आप लोग ये मत समझना कि हम लोग भी दारू पीने आए, क्योंकि ये एरिया वही है जहाँ दारू वारू बिकती है, ठीक है। जैसे वो उससे मांगे, हम लोग मना कर दिया भाई पहले, कि नहीं तुमने पियो फेंक दो। तो चलिए दोस्तों, ये वाला वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सचिन दादा, बाय बाय।